नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। कोरोना महामारी के चंगुल से मुक्ति के लिए पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है और अर्थनीति एक प्रकार कमजोर हो गई है। बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन, शटडाउन जैसे उपायों को सरकार ग्रहण करके एक तरह से मजबूत हो गई है। इस महामारी के संकट में काफी सारे लोग खाने पीने की चीजों से प्रभावित हुए हैं। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार इस पर कई कदम उठा रहे हैं, फिर भी अभाव का पूरा होना मुश्किल है। ऐसे हालात में अनुकूल श्री फाउंडेशन की तरफ से विभिन्न इलाकों में खाद्य अभाव में प्रभावित परिवारजनों को राशन का सामान वितरित किया गया है। उसी तरह आज भी अनुकूल पैरांचल वार्ड संख्या 3 हेमसुरपाड़ा नाकरा साहित्य में एक हफ्ते के लिए राशन दिया गया। वकील संघ के संस्थापक सोमनाथ राउत के परिचालन में उड़ीसा के विशिष्ट कथावाचक एवं श्री फाउंडेशन ट्रस्ट के सभापति पंडित महिसाऊ आदि सभी ने योगदान दिया। R9 भारत के लिए सौम्य रंजन पंडा की रिपोर्ट, अनुकूल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। आदिवासी विकास समिति के सदस्य तथा समाजसेवी श्रीकांत परक्षा के आज निधन हो गया। उनके निधन से आदिवासी जनजाति के लिए कार्य कर रही पद्मश्री तुलसी मुंडा द्वारा संचालित आदिवासी विकास समिति की एक बहुत ही बड़ी अपूर्णीय क्षति है। समाज के लिए कुछ कर दिखाने की उम्मीद श्रीकांत जी को नौकरी से दूर रखा। अपनी उच्च शिक्षा खत्म करने के बाद केउंझर जिला में पद्मश्री तुलसी मुंडा के आदिवासी विकास संगठन में शामिल हुए। 40 साल से लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं, जिसमें आज पूर्ण क्षेत्र लग गया है उनके निधन से। स्वर्गीय श्रीकांत डेकानाल जिला भुवन पुरुषोत्तम शासन में जन्म ग्रहण किए थे। उनका बचपन असहाय लोगों को सहयोग करने में गुजरा था। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल रही पद्मश्री मुंडा ने गंभीर शोक व्यक्त कर अमर आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना की। संतोष कुमार द्विवेदी आज श्रीकांत परीक्षा जी आज चली जाइंट से मोर बड़ भाई आमर बहुत गभीर आत्मीयता थिला। से आम सांगे मोर ऊपर क्लास रे भुवन कॉलेज रे पाठ पढ़ुते एठु जाजपुर सरला परे मुझे पद्मश्री डॉक्टर तुलसी मुंडा मु जने समाजसेवी समाज सेवा होती मो पेशा तेणु ये जेहेतु मार्ती चौधरी पाखे थी ढेंकानाड़ा गोटे मोर जन्मस्थान पर ढेंकानाड़ जिला को भी भावुरी कणे कणे गाँ गाँ बुले जाइए भी पिला दिनु जोड़ित। R9 भारत के लिए सरोचन नायक, रिपोर्ट, भुवन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। बरगढ़ जिला कुसनपुरी चौक के पास पलिमर लदे ट्रक जिसका नंबर OD05AG9547 है संतुलन खोकर पलट जाने की दुर्घटना हो गई है। ट्रक पारादीप से पलिमर लेकर रायपुर जा रहा था, पर ट्रक सीधे रायपुर रास्ते से ना जाकर अगले रास्ते से जा रहा था। पारादीप से रायपुर इतना लंबा रास्ता एक ड्राइवर और हेल्पर घटना शक पैदा करती है। गाड़ी पलट जाने पर ड्राइवर और हेल्पर गाड़ी से निकले पर हेल्पर फरार हो गया और ड्राइवर को कुछ चोटें भी आई हैं, लेकिन बरपाली पुलिस को पूछने पर घटना की छानबीन चलने की बात कही। इसकी सही जांच करने पर ही पता चल पाएगा कि असली बात क्या है। पता लगाया जा रहा है कि ट्रक पर ओवरलोड का सामान जा रहा था इस घटना को कुछ बदमाश लोग दबा देने की कोशिश कर रहे हैं, देखने को मिला है। ये गाड़ी जो एक्सीडेंट है से कौन थी हाँ एक्सीडेंट कमी माल के तापरे आपण एक्सीडेंट ले आपण कोण खंडिया खबर आइछि। R9 भारत के लिए शिशोभन दास की रिपोर्ट, बरगढ़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में।
आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। मास्को तथा कार्प की तरफ से परिवेश सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम स्थानीय कलिंग विद्या मंदिर परिसर में अनुष्ठित हो पाया। इस कार्यक्रम में कलिंग विद्या मंदिर के सभापति श्री जवाहरलाल पात्र उद्घाटन करके सभी को इस कार्यक्रम में सहयोग करने का अनुरोध किए। मुख्य अतिथि के रूप में मास्को के संपादक तथा समाज सेवी डॉक्टर रामकृष्ण साहू योगदान दिए। मास्को द्वारा आगे हाथ को लेने का कार्यक्रम करने के बारे में बताया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर प्रशांत कुमार पति सहयोग करके वृक्षों की गुणवत्ता के बारे में आलोचना की। सम्मानित अतिथि के रूप में कलिंग विद्या मंदिर के संपादक श्री हरे कृष्ण कोठिया, लेखिका वंदना महापात्रा, प्रधान शिक्षिका श्रीमती शर्मिला पटनायक आदि सभी उपस्थित रहे। अन्य सदस्यों में श्री सुनील कुमार साबत, श्री पुद्देश्वर पात्र, श्री प्रभाकर पंडा आदि सभी ने सहयोग किया। R9 भारत के लिए दिलीप कुमार दास की रिपोर्ट, गंजाम।